एकल अभियान अंचल रातू संच बेड़ो का आज 5 जून 2022 दिन रविवार को मासिक उपसंच बैठक रखा गया। डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता जी के स्वर्गीय पिताजी गजाधर साहू जी का पुण्यतिथि एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सह विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया गया। डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता जी ने संच समिति अध्यक्ष के तौर पर पौधों का वितरण किया, साथ ही सभी आचार्य एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर पौधे लगाए एवं पौधों को रक्षा सूत्र बांधा। डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता जी ने बतलाया कि विश्व के पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। वृक्ष हमारी गहना है, हमें इसे संजोए रखना है। मौके पर उपस्थित मुकेश कुमार राय अंचल समिति अध्यक्ष संस्कार शिक्षा, श्रीमान बानी कुमार राय हिंदू जागरण मंच के झारखंड प्रदेश महामंत्री, जय कुमार यादव ग्राम स्वराज मंच प्रमुख रांची भाग, वर्तमान सिंह संच प्रमुख, गीता देवी, मुन्नी लकड़ा, रूप रानी देवी, मिथिला देवी समस्त आचार्य उपस्थित रहे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। यहाँ आज आप लोगों ने एकल संच के द्वारा कुछ कार्यक्रम किया है, उद्देश्य क्या था? आज एकल अभियान बेड़ो संच के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि प्रकृति को संरक्षित करना है, और हम लोग आज सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लिए कि हम लोग आज के दिन अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगा करके और पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे, और पर्यावरण का सुरक्षा के साथ में आज का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और साथ ही आज स्वर्गीय गजाधर साहू पिताजी का आज पुण्यतिथि भी मनाया गया। इसका उद्देश्य था कि समाज में समाज सेवियों को याद करना चाहिए। बेड़ो पंच अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता। आज 5 जून 2022 दिन रविवार है, और आज विश्व पर्यावरण दिवस के है, जो हम लोग का एकल संच बेड़ो से एकल विद्यालय के माध्यम से हम लोग आज उपसंच बैठक किए, और उपसंच बैठक में पर्यावरण दिवस के लिए हम लोग सब पेड़ पे रक्षा सूत्र बांधे, और एकल अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता जी का पिताजी का पुण्यतिथि भी मनाए, और पुण्यतिथि मनाए और उस उपलक्ष्य में हम लोग को सभी आचार्य भैया बहन को पौधा भी मिला, और बस इतना ही कर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता देवी है, मेरा घर बोदा है, एकल विद्यालय के आचार्य।